और जहाँ पे जितने भी आपको राइडिंग गियर्स, पैंट्स और जैकेट जितने भी दिख रहे हैं, सारे डिफरेंट कंपनीज के, कोई राइनोक्स के, ये मोटोटोर का है जिसके आपको दिख रहा होगा, और ये एमटी का है, राइडा का है, राइनोक्स का है। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां, अब नई सी है उम्मीद जगी, छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी आदतें। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस वंस अगेन। और आज का जो व्लॉग है बहुत ही डिफरेंट और बिल्कुल अलग होने वाला है बाकी व्लॉगों से, क्योंकि अभी तक हमने जो व्लॉग किए हैं वो ट्रेवल व्लॉग किए या फिर किए हैं फैमिली व्लॉग। ये हमारा RJ20 राइडर क्लब्स के 5 साल पूरे होने की खुशी में हम आज सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और उसके लिए पूरा हमने पूरा सेटअप किया हुआ है। करीबन हम 15 दिन से नॉन स्टॉप इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, इसी वजह से हमारे जो है व्लॉग भी थोड़े धीरे आ रहे थे, एक दिन छोड़ के एक दिन आपने जैसे देख ही लिया होगा। फाइनली हम हमारे जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आज हमारा प्रोग्राम होने वाला है, और ये कुछ है थोड़ी, अरे वाह, हमारा RJ20 राइडर क्लब का देखो शानदार लोगो लग चुका है, और सामने सारे भाई खड़े हुए मेरे मजे लेंगे, ये तो जाते से मेरे मजे लेना चालू कर देंगे। और इसको यहीं लगा देते गाड़ी को, तो फिर चलिए चलते। नमस्ते भैया। अरे अरे बड़ा अजीब सा लग रहा है आज, पता नहीं लग रहा है नहीं, सही में वाकई अब अजीब सा लगने लग गया। बहुत सारे भाई आ चुके हैं, भाई के साथ अकेले अकेले हैं क्यों भाई, कितने दिन से लगे पड़े हैं विक्रम भाई को। और भाई, हाँ भाई, कहाँ रह गए थे? हाल से मत पूछो। और यहाँ पे देखो अपनी बाइक लग चुकी है सामने, और किस्मत इतनी ख़राब है कि मेरी जो बाइक है वो आपको पता ही, पूरी टूट चुकी, एक स्कूटी भी लग गई पता नहीं किसी की। खैर अभी जैसे जैसे दोस्त आते जाएंगे सारी बाइकों की यहाँ पे लाइनअप हो जाएगा इस साइड से पूरा। और ये हमारा पूरा सेटअप है आज का, ये देखो बड़ा ही ज़बरदस्त धांसू और मस्त। और यहाँ पर जो है हमारे गैजेट्स रखे जाएंगे जो हम यूज़ करते हैं अक्सर हमारे राइडों पर, इसको रखने का एक रीज़न है क्योंकि अक्सर क्या होता है लोग जब कोई गैजेट खरीदना चाहता है जैसे राइडिंग गियर से रिलेटेड कुछ भी, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो यही आती है कि यार मैं इसको खरीदूँ तो ये दिखेगा कैसा है, लगता कैसा है। तो जैसे ये है, ये राइनोक्स का है आई थिंक, टेल बैग है, हाँ राइनोक्स का टेल बैग है। ऐसे अलग अलग जिसके पास भी यूनिक गैजेट्स है वो सारे अभी इस बेंच में लगने वाले हैं। मैं भी कुछ सामान लाया हूँ वो भी कार में, मैं अभी निकाल के लेके आता हूँ। और यहाँ पर पूरा देखो शानदार सेटअप बना दिया हमारा, आज का पूरा प्रोग्राम यहीं पर होने वाला है, और यहीं पर हमारा प्रोजेक्टर वगैरह भी चालू होने वाला है। ये तो कोई सामने यहाँ पे प्रोजेक्ट की स्क्रीन लग चुकी है, साउंड सिस्टम लग चुका है, खाने का जो स्टॉल होगा वो आई थिंक इस साइड लगेगा, और यहाँ पे हमारा पूरा स्पीच वगैरह होगी। तो ये कुछ अभी सेटअप, अब 2 बजे से प्रोग्राम चालू हो चुका है, मेरे को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, और अब इसके बाद में मेरे बाइक, मेरे जितने भी सामान है मैं निकाल के लेके आता हूँ एक बार, ताकि वो यहाँ पर जमा सके, ताकि लोग आकर के देख लें क्या कुछ चाल है, लेके आता हूँ मैं। दुल्हन आ रही है हमारे ग्रुप की, अरे ये किसको देना है भैया, ये कमांडर साहब ही ले पाएंगे। ये बात सही। फाइनली अभी हमारा एक सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे इक्विपमेंट स्टार्ट कर दिया गया अपने सारे भाई राइडर्स के लिए, और यहाँ पे हमने पूरे हमारे राइडिंग गियर्स बिछा दिए हैं। और जहाँ पे जितने भी आपको राइडिंग गियर्स, पैंट्स और जैकेट जितने भी दिख रहे हैं, सारे डिफरेंट कंपनीज के, कोई राइनोक्स के, ये मोटोटोर का है जिसके आपको दिख रहा होगा, और ये एमटी का है, राइडा का है, राइनोक्स का है, वो
किसका ये क्या सोलेज का है, इस तरीके से पूरे इस वाली बेंच पे पूरे के पूरे हमारे राइडिंग गियर से लाइक जो हम अपर एंड लोअर पार्ट इन दो में जो पहनते हैं वो सारा है, और इस साइड जो है सारे शूज है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, क्योंकि वो थोड़ी प्रकाश डाल दो एक बार वापस से बताइए। मतलब वही है कि जो अपन एकदम से मारते हैं तो वो टाइट हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको ऐसे धीरे से ढोलोगे या फिर उसमें जैसे क्विक सैंड स्टेट में रहेगा, हाँ लिक्विड स्टेट जैसे में रहता है ना, तो ऐसे ऐसे वो फ्लूइड की तरह होगा, लेकिन जैसे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो पत्थर की तरह टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के, मैंने भी शॉर्ट से ही सीखा है, तो ये अलग अलग अपने आर्मर्स हो गए। अब आर्मर्स क्या है, आप लोगों को प्रेफर तो यही करना होता है कि लेवल 2 या जो भी सबसे हाईएस्ट लेवल वाला आर्मर है वो मिल सके अपन। ये आर्मर्स हो जाते हैं, आर्मर्स आपके जैकेट्स में लग जाते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, मोस्टली एल्बोज में आ जाते हैं, शोल्डर्स में तो सब लोग देते हैं, बैक में अलग अलग वैरायटी आ जाती है, कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो चेस्ट आर्मर्स भी देती है। अब यहाँ मेरे पास चेस्ट आर्मर का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, कहाँ पे ये हाँ, तो जैसे ये चेस्ट प्रोटेक्टर है, अब आप इस चेस्ट प्रोटेक्टर में भी देखेंगे कि यहाँ पे भी कोई मार्किंग नहीं है, तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, फोम प्रोटेक्टर है, मतलब ये कुछ ज्यादा काम करेगा नहीं। चलो ठीक है, ये चीजें हो गई। तो जो दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला पॉइंट है वो है अपनी हथेलियां, क्योंकि आप जब भी गिरते हैं आपका ह्यूमन इंस्टिंक्ट पता है अपने हाथों को आगे रखें, अगर आप अपने हाथों को आगे रखेंगे तो आपको क्या बचाएगा, कोई एक और लेयर जो आपकी स्किन नहीं हो, क्योंकि अगर स्किन छिल गई तो आलू की सब्जी तरी वाली खाते तो मिर्ची लगती है फिर मुंह के अलावा हाथों में भी, है ना। तो ये लेदर वाले हो गए, लेदर वाले में अलग अलग वैरायटीज आ गई, घुमा घुमा के आप इधर से जा रहे हो उधर से जा रहे हो, इसका बेनिफिट क्या है, भले ही कुछ भी आपका मिनी से मिनी बैग हो या मैक्सिमम से मैक्सिमम बैग हो, ये हो गया और अब ये कहीं भी नहीं जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है ना, इसको कस दो और ऑब्वियसली बाकी का आप कहीं भी उलझा दो। ये ज्यादा बेटर लगता है मेरे को ऑप्शन, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा लेकिन ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बंजी के साथ एक इशू होता है जो बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, अगर आपने बंजी केयरलेसली खोल दी आपके आंख वाँख में लग सकती है, एकदम से पॉप करती है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना एसेंशियल, लोहा लगा रहता है उसके ऊपर, हाँ वो बिल्कुल वही रहता है शार्प वाला। ये अच्छी चीज लगी, कैंप स्ट्रैप क्या बोलते हैं, कैंप स्ट्रैप बोलते हैं सर, ये लगभग वैसी चीज है ना जैसे वो कार में वो लोड करते सामान, विदेश के लोग विदेशी लोड करते ना, कलर कलर करके वो लोड कर देते सामान, उसके जैसा है और बहुत स्टर्डी है क्योंकि नायलॉन वाले मटेरियल। तो हमारा जो एग्जीबिशन का जो सेशन था पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब सबके लिए ओपन कर दिया, आप जितने भी राइडर्स बुलाए हमने इन्वाइट किए वो सारे के सारे अपने अपने हिसाब से चेक कर रहे हैं, हेलमेट्स पहन करके हमारे जितने भी गेयर जो हम यूज़ करते हैं अक्सर हमारी राइडों पे, तो उन सबका हमने पूरा एक एक पार्ट छोटे छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं सस्ती से लेकर के महंगी तक सारा कुछ हमने यहाँ पे बिछा दिया। ये तो मतलब हमारा आधी चीज़ भी नहीं है जो हमने यहाँ पे रखी है, तो ये तीन टेबल हमने ऑलरेडी बिछा दी तो भी ये नहीं माप पा रहे, तो मैंने कहा बंद कर देते हैं इतना ही बहुत है। तो ऐसा कुछ था, अब ये सारा चेकआउट होगा, करीबन 15 मिनट के लिए एग्जीबिशन ओपन किया है, इसके बाद क्लोज कर देंगे क्योंकि काफी सारा सामान है। तो हर बार ऐसे मतलब यार, और अभी हमारा सेकंड राउंड चालू हो चुका है, इसके अंदर हम हमारे जितने भी भाई मतलब जो कि जितने भी राइडर्स आए हुए हैं उन सभी कुछ गेम्स के रूप में कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, और जो भी उसका सही आंसर देगा उसे जो है प्राइस वगैरह देंगे। एक बार प्राइस दिखा देता हूँ क्या कुछ है, ये यहाँ पे हमने पूरे प्राइस इस साइड रखे हुए पूरे पूरे, ये देखो मैं जितने भी ये जितने भी गिफ्ट है ये सारे के सारे वो गिफ्ट है जो एक राइडर के रोजमर्रा में काम आते हैं या फिर वो राइड वगैरह करते हैं उसमें, और अभी स्टार्ट हो चुका है और चलो ये करते हैं एक बार, बहुत ही कोर पार्ट रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच, आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। मैंने कुछ कुछ नए चेहरे देखे सर, आपका नाम क्या है? यश कुमार। यश कुमार, अच्छा आप राइडिंग कब से कर रहे हैं? 2-3 मंथ से, सॉरी इयर्स इयर्स। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2-3 इयर्स से। तब लाइसेंस था? नो लाइसेंस नहीं था, चलिए कोई बात नहीं। यश आप कौन से बाइक चला रहे हैं? सर RS 200 चला रहे हैं। अच्छा आप टूरिंग वगैरह करते हैं? हां मैं ओनली सर के। अच्छा तो हमारे मीका पाजी के लिए भी तालियां हो जाएगी क्योंकि मीका पाजी ने भी एक यंग जनरेशन को गाइडेंस देने का काम किया, जैसे अमित भैया ने किया, जैसे राज भैया, शांशु भैया, कई सारे लोगों ने किया, वैसे ही मीका पाजी भी कई सारे लोगों को साथ लाने का और उनके साथ राइड्स करने का काम कर रहे हैं ताकि उनको गाइडेंस और डिसिप्लिन मिले ग्रुप राइड्स के। ठीक है, आपका नाम बताइए। आपका नाम आशुतोष। मेरा नाम नहीं बताना, आपका नाम भी आशुतोष। अच्छा तो रजिस्ट्रेशन एक के नाम से तो नहीं कर देना? अरे ट्राई कीजिए, ऐसे के कर देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ देखिए अब क्या बता रहे हो? राइट बोलना नहीं है सर, बोलना नहीं है। अरे गाड़ी रोकनी है, फिर नाश्ता करना नहीं।
बैग लगाना है, गाड़ी रोक के ब्रेक लगा के बैग रोकना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बढ़िया रहा क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ रुको 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 समय। अच्छा समय, आप क्या करते हैं? मैं इवेंट मैनेजमेंट। अरे फिर मैं क्या कर रहा हूँ यार, मालिक वहाँ बैठे हैं। चलिए थैंक यू सो मच, समय एक बार ताली हो जाइए इन लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि इशारे करके कौन बताएगा और सामने वाला कौन बताएगा? आप इशारा करोगे और आप बता दोगे पक्का इनका नाम क्या है? अरे तू मजे बतले यार बच्चों के। अर्जस नाम है और आपका? दोनों के लिए ताली हो जाए एक बार। ठीक है खत्म, बंद हो गई, बेच दी पापा ने, बेच दी। इसका मतलब क्या होता है? थम्सअप का मतलब क्या होता है? ओके तो देख के घबराओ नहीं। हिमालयन 450 के इंजन का नाम क्या है? कोई नहीं, स्क्रैम 411। एक सेकंड, स्क्रैम 411 क्या नाम है? स्क्रैम 411 इंजन का नाम सर अलग है, इंजन का नाम स्क्रैम 411 तो मोटरसाइकिल। अच्छा आप बताना चाहते हैं, आपका नाम बताइए। पहले पूछ लो फिर बोलूंगा। नहीं हो गया, लो बता। शेरपा। नहीं नाम बता खुद का। शेरपा नाम है, नाम बता। भूपेंद्र जोगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है शेरपा, शेरपा क्या मल्टी टूल है, मल्टी टूल तो नहीं सेट है जिसमें आयरन की है बहुत सारी, तो ये बहुत यूजफुल चीज है नई बाइक्स अगर आप देखोगे। चलिए ठीक है, उमलिंगला एक पास है और हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, तो उमलिंगला पास के यहाँ पे एक कैफे है, उस कैफे का नाम क्या है कौन बताएगा? ऑक्सीजन कैफे। ऑक्सीजन कैफे सही। वाह बहुत बढ़िया, इंद्र कुमार सर, इंद्र कुमार सर के लिए ताली हो जाए। तीन ऐसे कोई भी मॉडिफिकेशंस जो अपनी बाइक में कर सकते हैं टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ माई मोटरसाइकिल। एक तो सबसे पहले हम उसमें जो फ्यूल डालते हैं वो हम उसको एक्सपी 95 आता है, हायर ऑक्टेन कर सकते हैं, इसमें बाइक में नॉकिंग कम हो जाती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। और इंजन ऑयल का हमेशा ध्यान रखना है, उसको हमेशा टॉप अप करके रखना है, चेन को टाइम टू टाइम क्लीन करना है, इन सब चीज़ों से हमारी बाइक की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। पांच एडवेंचर बाइक्स, अब वो एडवेंचर बाइक्स मोटोक्रॉस जो भी बोलते हैं वो डिबेटेबल है, लेकिन एडवेंचर बाइक्स आपको आइडिया आ गया होगा, कौन ट्राई मारना चाहेगा? अपने उधर बंदों में बताइए आपका नाम क्या है? पीयूष। आप आ जाइए इधर। हाँ बताइए। सुजुकी वेस्टरॉन 550 जो कि मेरी फेवरेट है, उसके अलावा हिमालयन आप ले सकते हो, स्क्रैम आप ले सकते हो, तीन तो हो चुकी है, और होंडा सिविक 200 XP एडवेंचर सेगमेंट में आती है। ATM 390। क्या बात, बहुत बढ़िया। 390 है एडवेंचर। नहीं नहीं एडवेंचर। चलो ठीक है, पीयूष के लिए बहुत बढ़िया। सब चीजों को इंपैक्ट करके अपनी चेन को क्लीन कीजिए, ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर में कर ही लीजिए, और अगर और भी ज्यादा डस्टी कंडीशन हो तो और भी जल्दी कीजिए 500 किलोमीटर में। चेन क्लीन करनी है, उसके बाद ल्यूब करना है, सिर्फ डायरेक्टली ल्यूब चिपकाना नहीं होता। तो मैं ये दे रहा हूँ रॉयल एनफील्ड का चेन लुब्रिकेंट पीयूष को। बहुत बढ़िया, थैंक यू पीयूष। को मैं दे रहा हूँ बहुत ही स्टडी रोबस्ट कटर है ये, क्योंकि मालिक फॉरेस्ट में है, वो नहीं करते काम। लेकिन सुभाष भैया के लिए ताली हो जाए, थैंक यू सो मच सुभाष भैया। पूरी सारे भाई हमारे जो है विनर से इस वाले राउंड के, जितने भी अभी क्वेश्चन और आंसर हुए ये सब विनर्स रहे अपने अपने गेम्स में। एक्सपीरियंस की है, हम सब लोग राइड पे जाते हैं, हम सबको सेफ्टी में एक चीज लगती है कि हम सबके फोन लॉक्स है, राइट?
टाटा स्टील का बम है। 3000 ऑलमोस्ट 2500-3000 किलोमीटर की राइड थी। 3000 और आपके लीड थे कपिल भैया। कपिल हाँ, तो हमारे साथ में बीकानेर से मैं बता दूंगा। हाँ मेरा नाम सुभाष है, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। ये स्पीति ट्रिप बाकियों की तरह मेरा भी एक ड्रीम था, तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या मुझे कुछ आइडिया कम था कि मैंने एक बहुत खतरनाक डिसीजन लिया कि मैं पूरा ट्रिप पीछे पिलियन बैठ करके जाऊंगा और आऊंगा। 3000 किलोमीटर पीछे बैठ के गया हूँ और पीछे बैठ के आया हूँ, मतलब दोबारा तो नहीं होगा ऐसा कभी जिंदगी में मेरे साथ, ना मैं करूंगा। कोई पैसे भी देगा मुझे 1-2 लाख रुपए मैं तो भी नहीं करूंगा। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो कोई लंबी टूरिंग करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, कभी अपनी गाड़ी ले जाओ आप। सो फाइनली हमारा जो है क्या, हाँ गुजरात का चल रहा है मेरा बनाया हुआ। तो फाइनली हमारा जो ये सेशन था तीनों, लद्दाख, स्पीति और गुजरात राइड का, उसको ख़त्म कर दिया गया है, मतलब हो गया कंप्लीट। और मुझे 2 बैच मिले जिन जिन राइडों पे मैं गया हूँ। और अब जो है हमारा केक कटिंग हो रहा है। अमित भैया मीनवाइल जब हम ये केक कट कर रहे हैं आप खिला दीजिए। थोड़ा सा इधर और भी चल रहे हैं, क्या बात है। कैसा लग रहा है कमांडर? लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अरे तुम यार एकदम जानते कितना बड़ा। अरे काम करो पीछे से हट कर। सभी लोग जो भी RG20 Riders क्लब की 5th एनिवर्सरी के अंदर आए, उन सबके लिए मैं को थैंक्स बोलता हूं। आगे आ जाओ अमित भाई, आगे इसी तरह मेरे साथ में रहना हमेशा। आगे राइड जो भी हो मैं साथ में चलना। जो मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं, पहली राइड के अंदर थे, उसमें एक इमरान भी आए। बस राइड 24 दिसंबर 2018 को हमने की थी, साथ में मेरे थे उस टाइम भी। अरुण भी आए, शायद वो भी निकल गए हैं यहाँ से। तो आज 5 साल पूरे हो गए उस चीज को। मेरे साथ में मेरी टीम, वो सभी लोग जो हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, लास्ट 2 लंबी राइड में साथ में रहे हमारे। और ये भी 2018-19 से मेरे साथ में है। ये क्या वही सुन दी आज फर्स्ट टाइम आशिक आ रहा है, पड़ेगी भाई, पता नहीं क्या करने वाला, भगवान जाने। बस आ जा वापिस, वापिस आ जा, वापिस आ जा, वही यही बैठ जा। आप मुंबई नहीं आ सकते, सॉरी आप मुंबई नहीं आ पाओगे। खत्म है, दिखाई दे तेरी आंखें, देखे जहां तो मैं भी